वेलकम गाइस इन टू डूजल। सो आज हम लोग यहाँ पर नया एक सीरीज लेके आए हैं आपके लिए, जो कि होगा एमपी जीके का कंप्लीट, पूरा का पूरा 10 यूनिट हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप पहले यूनिट का सिलेबस देखिए कि क्या है। जो सिलेबस होता है वो गूगल मैप का काम करता है। जैसे आपको कहीं भी जाना है तो आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि कहाँ से मुड़ना है और एक्चुअल में डेस्टिनेशन आपका क्या है। तो पीएससी ने प्री और मेंस दोनों का सिलेबस अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, तो आपको देखना है यहाँ पे। इसके बाद करना क्या है आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इस सिलेबस से जोड़ के देखना है कि क्या क्या सेक्शन, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस और किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। सिर्फ आपको इतना ही करना है शुरू में। तो चलिए देखिए, आप यूनिट 1 का सिलेबस, यूनिट 1 से हम लोग पूरा का पूरा 10, ये लगभग 70 दिन में, 75 दिन का हमारा क्रैश कोर्स का टारगेट रहेगा, जो कि सिर्फ 2021-22-23 जब भी आपको देना है, क्योंकि ये स्टैटिक नॉलेज है। अगर आप मान लीजिए 2023 में इसको देख रहे हैं तो 2023 के लिए भी ये एप्लीकेबल है। अनटिल एंड अनलेस कुछ इसमें चेंज ना हो, चेंज होगा हम नोटिफिकेशन आपको देते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी ज्वाइन करिए और हम पूरी तरीके से आपके लिए डेडिकेटेड हैं। चलिए देखते हैं सिलेबस को। तो फर्स्ट यूनिट में दे रखा है आपका मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, जिसमें आपको सबसे पहले तो पढ़ना पड़ेगा मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में और राजवंश के बारे में। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और बोलियां, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएं एवं लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल और मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। तो ये आपके मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य है। तो इतना हम लोग डिस्कस करेंगे डेली की डेली। अब आपको लेक्चर्स मिलेंगे। आपको करना क्या है कि इन लेक्चर्स को 2 से 3 बार देखना है, 1.5x की स्पीड, 1.75x जितनी भी आपको सिटेबल है। शॉर्ट नोट्स आप बनाइए और रूटीन बनाइए। कंटिन्यूटी इज द की टू सक्सेस, सिंपल सा, और कुछ नहीं, निरंतरता ही आपको सफलता दिला सकती है और कुछ नहीं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग। रेफरेंस, ये हम मुकेश महेश्वरी जी की बुक को डिस्कस कर रहे हैं, पूरा का पूरा श्रेय उनको जाता है। बहुत ही अच्छी बुक उन्होंने बनाई हुई है। आपको करना क्या है, रिवाइज करना है। रिवीजन कैसे करना है वो हमने पहले ही बताया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला को अगर हम लोग समझना चाहें तो वो 3 भागों में बटी हुई है। पहला है मंदिर तथा मूर्ति स्थापत्य, फिर आपका स्तूप स्थापत्य और गुफा स्थापत्य। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मंदिर और मूर्ति स्थापत्य से। तो आपको पता होगा मंदिर के बारे में कि 3 तरीके की शैलियाँ होती हैं। पहला आपका होता है नागर शैली, जो कि उत्तर में पाई जाती है, द्रविड़ शैली, जो कि दक्षिण में, और इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको बेसर शैली बोलते हैं। तो दिमाग में सिर्फ ये बैठाना है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। चलिए इसकी कुछ अगर हम लोग विशेषताएं देखना चाहें, पहली बात तो ये समझिए कि जो मध्य प्रदेश के मंदिर हैं वो भारतीय आर्य शैली में निर्मित हैं, और इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं वो ये हैं कि इसमें मधुमक्खी पेटिका आकृति वाला गुंबद पाया जाता है। गुंबद जो ऊपर पाया जाता है, पता होगा आपको, इसको बोलते हैं। और वर्गाकार ग्रिड सिद्धांत पर आधारित, जैसे तेली का मंदिर है, वहाँ पे आपका वर्गाकार ग्रिड सिद्धांत पर आधारित मंदिर स्थापत्य कला पाई जाती है। तेली का मंदिर कहाँ पे है, ग्वालियर में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर आपके MBBSC में। बाहरी सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भगृह, जिसमें गर्भगृह उसे कहते हैं जहां पर मूर्ति विराजमान होती है। राजकीय संरक्षण, मध्य प्रदेश के अधिकांश मंदिर चंदेल, सिंधिया, होलकर, कलछुरी प्रतिहारों ने बनवाए हैं। तो सिर्फ 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं अभी। तो पहला तो मधुमक्खी पेटिका की आकार वाला, वर्गाकार ग्रिड, बाहरी सौंदर्य पर ध्यान, और गर्भगृह यहाँ पर मूर्ति स्थापित होती है। चंदेल, सिंधिया, होलकर, कलछुरी प्रतिहारों ने बहुत ज़्यादा मंदिर बनवाए हैं मध्य प्रदेश में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुंदेलखंड की स्थापत्य शैली के बारे में। तो बुंदेलखंड की स्थापत्य शैली के बारे में आप ये याद रखिए कि यहाँ पे चंदेल शासक पाए जाते थे, जिन्होंने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे, इसीलिए इसे खजुराहो शैली भी कहते हैं। और टाइम पीरियड आप याद रखिएगा, 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चंदेल शासकों ने यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया था। इसमें 2 वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे, एक उरुसरंग और अंतराल। उरुसरंग का मतलब होता है कि शिखर के ऊपर निकली हुई मीनार नुमा आकृति, जैसे ये आपका शिखर होता है, ये जो ऐसी मीनार जैसी आकृति निकली रहती है, उसकी बात यहाँ पे कर रहा है।
और अंतराल का मतलब होता है कि गर्भगृह और बरामदे के बीच का लंबा गलियारा, इसको अंतराल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो ये आपका मंदिर है ये गुलाबी व मटमैले ग्रेनाइट तथा लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बना होता है। और खजुराहो के मंदिर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खजुराहो के मंदिर में जो चार दीवारी है या परकोटा है ये नहीं पाया जाता है। और खजुराहो का मंदिर बनवाया किसने था कमेंट बॉक्स में बताइए, बाकी आगे तो अभी हम लोग करेंगे, पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। बस आप धैर्य से ईयरफोन लगा के बैठ जाइए और एक छोटा सा कॉपी ले लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ आपको नोट डाउन वही करने हैं, बाकी आईडी बुक की तरह इसको आप सुनते जाइए, बहुत कुछ रिटेन होगा। बस 2 से 3 बार आपको लेक्चर देखना है, क्योंकि एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, सेम वॉइस सेम आइडियो विजुअल इफेक्ट जब लगता है तो याद होता है जी। आगे देखिए, जो खजुराहो के मंदिर हैं यहाँ पर देवी देवताओं अप्सरा संभोगरत प्रतिमाएं और पशु आकृतियाँ पाई जाती हैं। आपको पता होगा संभोगरत प्रतिमाएं और पशुओं की और विचित्र विचित्र आकृतियाँ वहाँ पे पाई जा रही हैं। ऐसा माना जाता है कि ये संभोगरत प्रतिमाओं का पाया जाना, इसका जो मीन था वो ये था कि जब आप मंदिर में प्रवेश करें तो ये सारे के सारे काम भाव सब आप बाहर छोड़ के अंदर जाएं, क्योंकि अगर इसके साथ आप वहां जाते हो तो आप पूरी तरीके से भगवान का दर्शन नहीं कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण मंदिर और उनकी स्थापत्य कलाओं के बारे में। पहला आपका आता है खजुराहो का मंदिर। खजुराहो के मंदिर में आप याद रखिए, सबसे पहली बात तो 11वीं शताब्दी में चंदेल राजा राजा धंग और गंड के द्वारा इन मंदिरों को बनवाया गया था, और ये हिंदू और जैन धर्म दोनों से संबंध रखते हैं। तो सिर्फ इतना आप नोट करिए अभी अपनी नोट्स में कि राजा धंग और गंड ने बनवाया, कब बनवाया, 11वीं शताब्दी, और ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। बस चलिए अब विशेषताएं देखिए, गर्भगृह पाया जाता है। दक्षिण भारतीय द्रविड़ियन शैली का भी अनुकरण मंदिर की शीर्षाकृति में, विशेषता गुंबद की जो विमाना आकृति है उसमें पाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका बेसर शैली कहला जाएगा, क्योंकि नागर शैली की तो यह है ही और यहाँ पर द्रविड़ शैली भी पाई जा रही है। और कहाँ पे पाई जा रही है, तो गुंबद की ऊपरी जो आकृति है विनाम आकृति वहाँ पे। फिर आगे देखिए, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक ध्येय का मिश्रण यहाँ पे मिलता है। और मंदिर के बाहरी आवरण पर मैथुन आकृति, हमने रीजन बताया कि क्यों पाया जाता है, और जबकि अंदर भगवान की आध्यात्मिक संदेश देती सौम्य प्रतिमाएं पाई जाती हैं। तो अंदर आप जाइए तो भगवान के दर्शन करिए, सौम्य रहिए, विचारों को शांत रखिए, और ये जो सारे काम हैं आपकी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं ये बाहर ही आप छोड़ के आइए। और यहाँ पर विशाल प्रांगण पाए जाते हैं, चार दीवारी या परकोटा का अभाव होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सिर्फ आपको याद रखना है कि किसने बनवाया, राजा धंग और गंडदेव, 11वीं शताब्दी, बेसर शैली भी पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है ये आपको याद रखना है, और चार दीवारी या परकोटा का अभाव होता है। आगे देखिए, चतुर्भुज मंदिर ओरछा जिला निवाड़ी में पाया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि चतुर्भुज मंदिर कहाँ पाया जाता है या किस जिले में पाया जाता है, निवाड़ी जिला ओरछा में पाया जाता है। इस विशाल पाषाण मंदिर में, अच्छा ये पाषाण से बना हुआ मंदिर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और भगवान विष्णु को राम के रूप में दिखाया गया है। तो चतुर्भुज मंदिर में वैसे भी पता होगा आपको, चार भुजाएं विष्णु भगवान की होती हैं, विष्णु भगवान का ही तो रूप है राम जी आपकी, बिल्कुल। चतुर्भुज मंदिर ओरछा निवाड़ी आपको याद रखना है, राम जी मतलब विष्णु भगवान को समर्पित है। इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो देखिए, विशालता एक बड़ी विशेषता है इसकी कि विशाल मंदिर है। राम जी की मूर्ति मूल विष्णु के चतुर्भुज चार भुजाओं के साथ वर्णित की गई है। और मंदिर में नागर शैली की सभी विशेषताएं, जैसे कि नागर शैली की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, आपका गर्भगृह होगा, गुम्बद पाया जाएगा, प्रांगण पाया जाएगा और परिक्रमा पथ, ये चारों के चारों वहाँ पे वर्णित हैं। आगे, मंदिर का अंदरूनी भाग सादगीपूर्ण और सपाट है, जबकि बाहरी दीवार तथा गुम्बद को प्राथमिक प्रतीकों से सजाया गया है। तो ये विशेषताएं हो गई आपके चतुर्भुज मंदिर की। आगे देखिए, पशुपतिनाथ मंदिर ये मंदसौर में पाया जा रहा है। तो लास्ट में क्या करना है, आपको एक टेबल बना लेना है, सिर्फ और सिर्फ मंदिर और कहाँ पाया जा रहा है और कौन से भगवान हैं। तो एक ये बना लीजिए, अभी ही बना लीजिए आप अपने नोट्स में, और उस पर एक नंबर वाला खजुराहो वाला, 2 नंबर आपका चतुर्भुज वाला, और तीसरा पशुपतिनाथ डाल लीजिए। यहाँ पर जिले लिख लीजिए, जैसे कि वहाँ खजुराहो छतरपुर वाला, यहाँ पर फिर निवाड़ी आपका, और फिर मंदसौर, और भगवान लिख लीजिए आप बस, और कुछ नहीं। और एक चौथा पॉइंट आप बना लीजिएगा विशेषता, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे, यहाँ पे आपको नोट करते जाना है, सिंपल सा। चलिए आगे देखिए, शिवाना नदी के तट पर स्थित अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर है। तो पशुपतिनाथ नाम से ही पता है आपको
कि ये शंकर जी शंकर भगवान का नाम है और मंदसौर जिले में है, जिसमें पशुपति शिव स्वरूप की विशाल प्रतिमा वर्णित है। अच्छा, यहाँ पर यहाँ के जो मंदिर है नागर शैली में है, मुखी अष्टमुखी है जो पशुपतिनाथ के 8 मुखों को सभी दिशाओं में प्रदर्शित करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर के बारे में। महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आपको पता होगा हमारे यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं, एक तो आपका उज्जैन में हो गया और दूसरा आपका ओंकारेश्वर में। चलिए यहाँ पर देखिए, दक्षिणामुखी एकमात्र ज्योतिर्लिंग जो पवित्र नदी ओरछा के तट पर है, महाकालेश्वर उज्जैन में स्थित है, महाकाल के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब देखिए विशेषताएं, पाषाण निर्मित विशाल मंदिर प्रांगण यहाँ पे पाया जाता है, विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो नागर और द्रविड़ियन दोनों शैली में हैं, और मंदिर का विशाल गुंबद यहाँ पे है। महाकाल शिव का ज्योतिर्लिंग भी विशेष रूप से आकर्षक है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि कहाँ पे है, उज्जैन बता दोगे, क्षिप्रा नदी के किनारे, महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है, इतना सा बस और कुछ नहीं, और नागर और द्रविड़ियन दोनों शैलियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। आगे देखिए, विष्णु मंदिर देवगढ़, ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, झांसी के निकट स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर भारत में अपनी श्रेणी का विलक्षण मंदिर है, तो दशावतार मंदिर भी इसको बोलते हैं। झांसी के निकट देवगढ़ पर स्थित है, विष्णु जी का मंदिर है, दशावतार विष्णु जी के ही माने जाते हैं, कुछ ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। पशुपतिनाथ शंकर जी पता ही होगा आपको, विष्णु भगवान दशावतार है, कहाँ पे देवगढ़, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, गुप्तकालीन नागर शैली का सबसे प्राचीनतम उदाहरण है, मिट्टी शिल्प का प्रयोग है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और भगवान शिव के 10 अवतारों को मूर्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है विष्णु मंदिर देवगढ़ में। अगला मंदिर देखते हैं, ग्वालियर का मंदिर। ग्वालियर के प्राचीन मंदिरों में तेली का मंदिर तैलब द्वारा निर्मित, सास बहू का मंदिर इसी को सहस्त्र बाहु मंदिर भी बोलते हैं, चतुर्भुज का मंदिर, सूर्य मंदिर बोलते हैं लश्कर आदि, ये सारे के सारे स्थापत्य कला के बहुत ही ज़्यादा और प्रसिद्ध एग्जाम्पल हैं ग्वालियर के मंदिर के बारे में हम लोग देखा चाहें तो। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बंदी छोड़ गुरुद्वारा भी पाया जाता है, जो कि स्थापत्य कला का बहुत ही आकर्षक उदाहरण है। यहाँ की अगर मंदिरों की या स्थापत्य कला की हम विशेषता देखना चाहें तो वो ये हैं। देखिए आप, ग्रेनाइट मार्बल का प्रयोग, पहला तो ग्रेनाइट मार्बल का प्रयोग, सूर्य मंदिर में सफ़ेद मार्बल का सुंदर प्रयोग हुआ है, पहला पॉइंट। मूर्तियों की विशालता विशेषकर सूर्य भगवान की मूर्ति अत्यंत विशाल है, नागर शैली के अनुरूप गर्भगृह प्रांगण, परिक्रमा पथ, गुंबद इत्यादि, तो ये आपके विशेषताएं हो गई ग्वालियर के मंदिर की। चलिए फिर आगे देखिए आप, हम लोग देखते हैं स्तूप स्थापत्य को, तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्तूप पाए जाते हैं, जैसे कि सांची का स्तूप, भरूत स्तूप, स्वास्तिक स्तूप, ये कहाँ पाए जाते हैं और किन्ने बनवाया था, सिर्फ एक चार्ट आप ये बनाइए, हम डिस्कस कर रहे हैं, आप वो चार्ट्स को फिल करते जाइएगा बस और कुछ नहीं। सांची का स्तूप विश्व का सबसे प्राचीन स्तूप है, जिसे अशोक ने बनवाया था, सबसे पहले लिखिए सांची, सबसे प्राचीन अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप देखिए कहाँ पे है, युधिष्ठ वास्तुकला का रत्न कहलाने वाले, तो इसे ही युधिष्ठ कला का वास्तु क्या बोलते हैं, वास्तविक रत्न बोलते हैं। सांची स्तूप रायसेन जिले रायसेन में स्थित है, अशोक ने 250 ईसा पूर्व में बीसी में इसका निर्माण करवाया था और जनरल टेलर ने इसे सर्वप्रथम प्रकाशित किया था। महादेवी अशोक की पत्नी की देखरेख में निर्मित सांची स्तूप की विशेषताएं देखते हैं थोड़ा सा हम। कमल के उल्टे फूल की आकृति, अर्ध गोलार्ध आकृति पाई जाती है यहाँ पे, पहली बात। दूसरा, पत्थर तथा चूने की चुनाई से निर्मित है, पाषाण निर्मित सबसे पुरानी मानव निर्मित पाषाण संरचना है, चारों दिशाओं में 4 आकर्षक प्रवेश कारक हैं, तोरण द्वार भी इसे कहते हैं, और परिक्रमा पथ जो शुंगकालीन है, परिक्रमा पथ कौन बनवाया था, शुंगकालीन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आप लिख लीजिए थोड़ा सा नोट्स में, सांची स्तूप में पहले तो ये लिख लीजिए, युधिष्ठ वास्तुकला का रत्न अशोक ने 250 में बनवाया, कमल का उल्टा फूल पत्थर और चूने की धुनाई से निर्मित, परिक्रमा पथ कौन बनवाया था आपका, शुंगकालीन है, बस इतना लिख लीजिए आप, और इसमें 4 तोरण द्वार पाए जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाषाण निर्मित सबसे पुरानी मानव निर्मित पाषाण संरचना कौन सी है, पाषाण निर्मित सबसे पुरानी मानव निर्मित पाषाण संरचना आपकी सांची स्तूप ही है, सिर्फ इतना आपको लिख लेना है। अब अगला देखिए आप, भरूत स्तूप सतना जिले में स्थित है, भरूत स्तूप अशोक द्वारा ही बनवाया गया है और जिसका निर्माण
अशोक के काल में एवं जो विकास है वह शुंग के काल में हुआ था। इसके अधिकांश हिस्सों को जो खंडहर हो चुके थे कलकत्ता संग्रहालय में ले जाके रखा गया है। तो इंपॉर्टेंट सिर्फ तीन पॉइंट लिखिए आप, जल्दी से लिखिए नोट्स में। पहला तो अशोक बनवाया है, शुंग काल में विकास हुआ है, सतना जिले में है, और इसके जो खंडहर हुए अवशेष हैं उनको कलकत्ता में रख दिया गया है बस। अब विशेषताएँ देखिए, बहुत अधिक विकसित कला है, स्तूप कमल के उल्टे फूल अर्धगोलार्ध आकृति के रूप में ही निर्मित, स्तूप का केंद्रीय भाग लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हुआ है, शेष भाग साधारण ईंटों से बने हुए हैं, स्तूप के चारों ओर तोरण द्वार बने हुए हैं, स्तूप के निकट ही स्तंभ अभिलेख से सूचित होता है कि वशिष्ठ पुत्र धनभूति ने शुंग काल में इसका पदक्षिण पथ बनवाया था। तो शुंगों ने बनवाया, इसका भी एक वहाँ पर आपको एविडेंस मिल रहा है। भरत स्तंभ के अवशेषों पर खरोष्ठी लिपि अंकित है, क्योंकि आपको पता होगा अशोक के टाइम में यही चल रही थी। स्तूप में रेलिंग की डिजाइन मुख्य आकर्षण का बिंदु है, पत्थरों पर जटिल डिजाइन बनाई गई है। स्तूप के चारों ओर वेदिका निर्मित है जिसके चारों ओर 11 तोरण द्वार हैं। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं भरत के स्तूप की। भरत स्तूप तथा वेदिका के बीच प्रदक्षिणा पथ है, वेदिका में कुल 80 स्तंभ हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भरूत वाले, जल्दी से आप लिखिए, आप थोड़ा सा लिखिए भरूत कहाँ पे है। आप बता दोगे सतना जिले में है, किसने बनवाया था अशोक, विकास कब हुआ ये लिखिए आप। फिर आप ये लिखिए स्तूप के चारों ओर तोरण द्वार वाला पॉइंट, और ये जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है खरोष्ठी लिपि, शुंग काल का जो एविडेंस है वो है दक्षिणा पथ जो बना हुआ है वहाँ पे, और वेदिका का निर्माण चारों ओर है, और 80 स्तंभ पाए गए हैं वेदिका प्रदक्षिणा पथ के आसपास बस। आगे देखिए स्वास्तिक स्तूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सिंगरौली में है। छठवीं ईस्वी के लगभग 11 स्तूपों की खोज भारतीय पुरातत्व विभाग के 20वीं शताब्दी में हुई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर इसमें देखिए बुद्धा दंड या बौद्ध दंड इसको बोलते हैं, स्थान पर केंद्रित ये स्तूप स्वास्तिक पैटर्न में है, स्वास्तिक सिंगरौली, स्वास्तिक में भी ऐसा आ रहा है, सिंगरौली में भी ऐसा आ रहा है, ऐसे आप याद रखिएगा, ठीक है। 6 से 10 पाषाण जो स्वास्तिक पैटर्न में प्राकृतिक टीलों पर बना हुआ है, निर्माता ने अद्भुत आकृतियों की संरचना को प्रदर्शित किया है। कहाँ पे है ये, सिंगरौली में है। चलिए अब आगे देखते हैं गुफा स्थापत्य। गुफा स्थापत्य में आप ये बताओगे कि मध्य प्रदेश में स्थित गुफाएं प्राकृतिक चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। पहला नंबर है आपका उदयगिरी की गुफा, जो कि विदिशा जिले के सोनपुरा गाँव में स्थित उदयगिरी की गुफाएँ ये पाषाणकालीन गुफाओं का एग्जाम्पल है। इसकी विशेषताएं देखते हैं, चट्टानों को काटकर विशाल गुफाएं बनाई गई हैं। पहली बात, गुप्तकालीन शास्त्रीय कला का अनुपम उदाहरण है हाथी गुम्फा अभिलेख। भुवनेश्वर में उदयगिरी को कुमारी पर्वत कहा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कुमारी पर्वत कहाँ कहा गया है, तो आप बताओगे हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर में उदयगिरी को कुमारी पर्वत कहा गया है। आगे देखते हैं 20 गुफाओं में से अधिकांश को काटकर मंदिर स्वरूप दिया गया है। 20 गुफाओं में से चट्टानों को काटकर ही मंदिर के स्तंभ बनाए गए हैं, और मूर्तियों में से कुछ चट्टान से ही निर्मित हैं, कुछ बलुआ पत्थर से पृथक रूप में बनाया गया है। कुछ को तो चट्टानों से ही काट के बना दिया गया है, कुछ को बलुआ पत्थर से बनाया गया है अलग से। महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वास्तुकला की सादगी बहुत ही ज़्यादा सादगी है, लेकिन एकदम आपको चकित कर देगी, देखने पे आप एकदम चकित हो जाओगे। गुप्तकालीन आध्यात्मिकता को संपूर्ण कला में अभिव्यक्त किया गया है, संपूर्ण कला धर्म और आध्यात्म प्रेरित है, धर्म और आध्यात्म का बहुत ही अच्छा विवरण करती है। बिना जोड़ के विशाल मूर्तियों को निर्मित करना कला का बेजोड़ सिद्धांत पर है। जैसे आप दो चीज़ को जोड़ना चाह रहे हो तो जोड़ आएगा, यहाँ पर नहीं, क्योंकि काट ही के बना दिया गया है। फिर देखिए वीणावादिका गुफा नंबर 4 में विशाल शिवलिंग है, गुफा नंबर 5 में वराह अवतार को दिखाया गया है, और गुफा नंबर 13 में शेषासई भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित का चरण है, और 19 नंबर गुफा में वास्तुकला का बेजोड़ उदाहरण जिसमें से गंगा और यमुना को लघु आकृति और आरोपित पैटर्न के साथ जीवंत किया गया है, और अमृत मंथन का दृश्य भी बहुत ज़्यादा अद्भुत है। तो ये आपको गुफा नंबर 4, 5, 13 और 19 याद रखना है। 4 में शिवलिंग में 4 वर्ण हैं, तो आपका सिंपल सा क्या हो गया, 4 नंबर। 5वां वराह अवतार, 13 शेषासई भगवान विष्णु की मूर्ति, और 19 नंबर में गंगा यमुना, इतना आपको याद रखना है।
चलिए अगले देखिए, भीमबेटिका। भीमबेटिका प्रागैतिहासिक मानव के साथ ओबैदुल्लागंज जो कि रायसेन में स्थित है में पाई गई है, सिंपल सा। और इसकी जो खोज है 1957 में सी श्री धर वाकणकर ने की थी, विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। विशेषताएं देखिए, विशाल का चट्टानों को एक दूसरे पर रखना और संतुलन बनाए रखना, चट्टान निर्मित वास्तुकला का आश्चर्य है। 500 के लगभग गुफाओं के साथ सबसे बड़ा गुफा समूह यही है। इन पर अनेक चित्र अंकित हैं जो अनेक लौकिक जीवन की कहानियां बताते हैं। इनका संबंध पांडवों के अज्ञातवास से जोड़ा जाता है और गुफाओं से प्राप्त चित्रों के आधार पर गुफाओं का नामकरण किया गया है, जैसे कि आपका नग्न भट्टारिका। भीमबेटिका की कुछ प्रमुख अगर हम गुफाएं देखना चाहें तो देखिए आप यहाँ पे दे रखी हैं मेदालेनीय गुफा। इसके चित्र यूरोप के 12,000 से 5,000 वर्ष पूर्व के शैल चित्रों से साम्य रखते हैं। फिर वराहगिरी शैल गुफा और बड़ा रंग महल, छोटा रंग महल और मुर्दा टोंग। तो बस आप गुफाओं के नाम याद रखिएगा, मेदालेनीय, वराहगिरी, बड़ा रंग महल, छोटा रंग महल और मुर्दा टोंग, सिंपल सा। इसके बाद आपकी आती हैं बाघ की गुफाएं। इसकी यहाँ इसके आगे से हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, कोई याद है क्या हमें हैं बाघ की गुफाएं? तो इसके बारे में आपको याद रखना कि बौद्ध धर्म से संबंधित है और इन्हें अजंता के समकक्ष माना जाता है। ये बाघ नदी के किनारे स्थित है जो कि इंदौर झाबुआ मार्ग पर पड़ता है। यहाँ भी नौ में से पांच गुफाएं सुरक्षित रह गई हैं। इसके जो खोजकर्ता थे 1818 में डोंगरफील्ड ने इन्हें खोजा था। चलिए, गुफाओं को 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये ईयर आपको 1951 याद रखना है। गुफाओं के भित्ति चित्रों में 1920 में चित्रकार मुकुल डे तथा 1921 में हालदर नंदलाल, LN भावसार एवं मिर्जा इस्माइल वेग जैसे प्रसिद्ध चित्रकारों ने प्रतिलिपि तैयार की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाघ गुफाओं के बारे में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट? बाघ नदी, पहला तो बौद्ध धर्म, नौ में से पांच सुरक्षित रह गई हैं और खोजकर्ता 1818 वाले। ये पॉइंट्स आप नोट करिए अभी के अभी। 1951 में राष्ट्रीय स्मारक इसे घोषित किया गया और 1920 में आपके मुकुलडे और 1921 में हालदर नंदलाल और LN भावसार एवं मिर्जा इस्माइल बेग जैसे चित्रकारों ने प्रतिलिपि तैयार की थी। चलिए, विशेषताएं अगर इसकी हम देखें तो सिंपल से कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा आप कि चट्टानों को काट कर नौ गुफाएं विंध्याचल श्रेणी में निर्मित की गई हैं जो गुप्तकालीन शास्त्रीय कला के अनुपम उदाहरण है। सबसे पहला तो फिर परस्पर समांतर खड़ी बलुआ पत्थर की चट्टाने कलाकार की सुंदरता प्रदर्शित करती है। फिर अधिकांश गुफाएं बौद्ध सत्तों के विहार थे जो चतुर्भुजीय योजना पर निर्मित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्टार लगा लीजिए और इसको लिख लीजिए आप छोटे से पॉइंट्स में। सात वाहनों के द्वारा चैत्य आदि निर्मित किए गए, तो पूछेगा आपसे कि कौन सी गुफा में सात वाहनों के द्वारा चैत्य निर्मित किए गए, तो आप बता दोगे बाघ। फिर बाघ गुफाएं रंगीन भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। इन पर कई चित्रकार जैसे कि फ्रेस्को, मुगल पेंटिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई थी। चलिए अगला देखिए, और जो लास्ट पॉइंट है इसका वो ये है कि इनका जो काल है वो गुप्तकालीन के आसपास माना जाता है, 5 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। टाइमलाइन अगर आपको क्लियर नहीं है तो जो आपका MPPSC के लिए सेकेंड यूनिट है वो हमने लूसेंट, कंप्लीट लूसेंट नाम से चलाया हुआ है। उसमें हम स्पेक्ट्रम के साथ साथ और जो आपकी बुक्स हैं उनको सप्लीमेंट करते हुए पूरा का पूरा कंटेंट तैयार करके कवर करवाए हैं। लगभग 15 लेक्चर में कंप्लीट आपको सेकंड हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो मिल जाएगा, तो उसको आपको वहाँ से कवर कर लेना। चलिए अगला देखिए, वृतहरी गुफाएं के बारे में। उज्जैन में कलियादेह महल के निकट स्थित वृतहरी गुफाएं संख्या में 9 हैं। इनमें से 5 ही सही अवस्था में मौजूद हैं। सेम काम वहां भी आपकी 5 ही बची थी, बाकी 4 विलुप्त हो चुकी हैं। चलिए, इसका जो निर्माण है वो भ्रतहरी के सम्मान में परमार शासकों ने करवाया था। तो भ्रतहरी की गुफाओं के बारे में सिर्फ और सिर्फ आप 3 पॉइंट याद रखिएगा। पहला तो उज्जैन कलियादेह महल, दूसरा 9 हैं 5 बची हैं, तीसरा भ्रतहरी के सम्मान में परमार शासकों ने बनवाया था। तो परमार और भ्रतहरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। विशेषताएं देखिए इसकी, सबसे इंपॉर्टेंट जो है पूछा हुआ MBBSC में, रंगीन चित्र इसकी विशेषता है। गढ़कालिका देवी के मंदिर के निकट की छिप्रा के ऊपरी तट पर यह गुफा अत्यंत लंबी है, तो अत्यंत लंबी पूछेगा। और नदी आपको याद रखना है छिप्रा के ऊपरी तट पर, और नाथ संप्रदाय के साधुओं का स्थान है। इस गुफा की
रचना बौद्ध कालीन शिल्प के अनुसार की गई है। तो ये भी पूछ सकता है कि बथेरी की गुफाएं किस शिल्पकला पर आधारित, तो आप बता दोगे बौद्धकालीन शिल्प पर आधारित है। आगे देखिए, दक्षिण की गुफा के अंदर नागर शैली में निर्मित गोपी चंद की मूर्ति है। तो आपसे ये पूछेगा कि गोपी चंद की मूर्ति कौन सी गुफा में पाई जाती है, तो आप बताओगे भरतहरी गुफा में। तो रंगीन चित्र, अत्यधिक लंबी गुफा, बौद्धकालीन शिल्प और गोपी चंद की मूर्ति, ये चार पॉइंट आपको अभी के अभी नोट कर लेने हैं। चलिए आगे बढ़िए, और अगर आप लिख नहीं पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करके आपको रिटेन करना दिमाग में, बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग भाषा बोलियां संबंधी तथ्य। तो हम लोग भाषा बोली में आते हैं, तो राजभाषा अधिनियम 1983 की धारा 8(1) के तहत 1876 में राजभाषा नियम बनाया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश को का श्रेणी में रखा गया था, का श्रेणी में वो राज्य आते हैं जिनकी राजकीय भाषा हिंदी है। का श्रेणी में 9 राज्य तथा 2 संघ क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखिए, मध्य प्रदेश राजभाषा अधिनियम कब आया था, इंपॉर्टेंट है याद रखिए 1957 में। इसकी धारा 3 के तहत मध्य प्रदेश शासन के शासकीय कार्यों की राजकीय भाषा को हिंदी बना दिया गया। मध्य प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1957 की धारा 4 के तहत मध्य प्रदेश विधानसभा के समस्त कार्यों की भाषा हिंदी है। तो 3 के तहत मध्य प्रदेश शासन के शासकीय कार्यों की राजकीय भाषा आपकी कौन सी हो गई, हिंदी, और 4 के तहत मध्य प्रदेश विधानसभा के समस्त कार्यों की जो राजकीय भाषा है वो हो गई हिंदी। तो 3 और 4 आपको याद रखना है। आगे देखिए कि 2016 में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक स्तर पर सभी शासकीय पत्राचार हिंदी में होंगे। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, 1957, 3-4 और 2016। चलिए आगे देखिए, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का निर्णय 1953 में हुआ था। इसकी सिफारिश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने की थी। पूछेगा आपसे कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से संबंधित कौन, तो बताओगे वर्धा। और हिंदी जो दिवस हम लोग मनाते हैं 14 सितंबर को, वो इन्हीं के प्रयासों से संभव हो पाया था 1953 से। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईयर्स थोड़ा सा आपको फैक्ट देखिए रखना पड़ेगा, कंसेप्ट बनाने हैं, फैक्ट के साथ सप्लीमेंट करना है, तभी इस एग्जाम के दरिया को आप सेल थ्रू कर सकते हो। अदरवाइज देयर इज नो वे आउट कि आप रीच कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। कंपटीशन बढ़ चुका है, पैटर्न ट्रेंड पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। डेप्थ में जाके, डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है आपको। चलिए आगे देखिए, सर्वप्रथम 1917 में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा भरूच गुजरात में दी गई थी। तो 1917, ये भी आप याद रखिए। चलिए एक बार रिवाइज करिए यहाँ पे, आप 1952 वाला आप बताइए, काखा वाला, मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया था, कर पा रहोगे आपको रिलेट। उसके बाद 2016 से क्या कर दिया गया कि प्रत्येक स्तर पर जो शासकीय पत्राचार वो हिंदी में होंगे। फिर 1953 वर्धा भाई साहब हमारे 14 सितंबर को हिंदी दिवस बनाना शुरू हो गया। इसके अलावा 1917 में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता कौन दिया था, महात्मा गांधी दिए थे। चलिए आगे देखिए कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग करता है। तो हमारे यहाँ जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग है, वो ये राजभाषा को देखती संभालती, सारे सारे प्रोविजन उसी के अंडर कंट्रोल होते हैं, सिंपल सा। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा वर्ष 1960 में आयोग की स्थापना हुई तथा 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ। तत्पश्चात वर्ष 1968 से राजभाषा संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया, सिंपल सा। चलिए तो राष्ट्रपति का आदेश 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ और 1968 में राजभाषा संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो भाषा के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, तो 1963 धारा 8 का आपको याद रखना है, का श्रेणी 9 राज्य और 2 संघ जो क्षेत्र हैं वो याद रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1957 वाला, ये आपको याद रखना है। इसकी धारा 3 और 4 मध्य प्रदेश शासन के शासकीय कार्य और विधानसभा वाला। इसके अलावा 2016 से सभी शासकीय पत्राचार हिंदी में होंगे, ये वाला पॉइंट। और वर्धा 1953 14 सितंबर से जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो, और 1917 में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को जो मान्यता दी गई वो किसके द्वारा दी गई थी और कब दी गई थी, ठीक है। गृह मंत्रालय के अधीन जो राजभाषा विभाग है वो इसकी देखरेख करता है। और 1960 में
आयोग की स्थापना राष्ट्रपति कहने पे हुई। 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ और 1968 में राजभाषा संबंधी प्रस्ताव लाया गया। इतना सा सिंपल सा, ठीक है। रिवीजन इज द की, रिवीजन आप करते रहिए। मध्य प्रदेश की बोलियों के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में स्थानीय बोलियां प्रचलित हैं, जैसे कि मालवा में मालवी, बुंदेलखंड में बुंदेली। इन सब में कुछ ना कुछ समानता पाई जाती है, क्योंकि सभी हिंदी की उप बोलियां हैं। जनजातीय बोलियों को छोड़कर हर एक जो बोली है आपकी, वो कहीं ना कहीं हिंदी की बोली है और इसमें समानता पाई जाएगी। चलिए बुंदेली देखिए। बुंदेली आर्य भाषा परिवार की इस बोली का अपेक्षाकृत अधिक दायरा इस राज्य में है। इसका नामकरण जॉर्ज गिरियर्सन ने किया, तो ये नाम आप याद रखिए, नोट डाउन करिए, जॉर्ज गिरियर्सन। यह सौर सैनी की अपभ्रंश है। पूछेगा बुंदेली किसकी अपभ्रंश है, आप बताओगे सौर सैनी की अपभ्रंश है। आगे देखिए, बुंदेलखंड के साथ दक्षिण मध्य प्रदेश के जिलों, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की सीमा से सटे महाराष्ट्र के जिलों में भी इसका प्रभाव शुद्ध बुंदेली, टीकमगढ़ सागर, नरसिंहपुर में तथा इसकी उप बोलियाँ पमवारी ग्वालियर, दतिया में लोहाती, हमीरपुर में तथा खटोला पन्ना छतरपुर दमोह में बोली जाती है। तो रीजन आप देख पा रहे होंगे, एक बार मैपिंग थोड़ा सा करिएगा और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ये सारे के सारे जो भी अभी हमने जिले देखे, आप लोकेट करिए, एक एटलस ले लीजिए आप पहले, तो ज्योग्राफी के लिए भी काम देगा आपको। पूरा का पूरा उसमें मैपिंग रहेगी इंडिया लेवल की, और एक एमपी का जिले वार अगर आपको मिल जाता है तो वो ले लीजिए, और थोड़ा सा लोकेट करते रहिए आप। सारे बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं केवल और केवल मैपिंग के नॉलेज से। चलिए मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ देखिए कौन कौन सी होती हैं। ब्रज हो गई, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, गोंडी, कोरकू, निमाणी, भीली, मालवी। तो ये मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। आगे देखिए, बुंदेली के कुछ मिश्रित रूप भी हैं, जैसे कि वनाफरी, कुंडरी, निभट्टर, भदावरी और कोष्टी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि वनाफरी किसकी किसका रूप है, तो आप बताओगे बुंदेली का। कुंडरी पूछ सकता है, निभट्टर पूछ सकता है, भदावरी और कोष्टी। तो सिंपली आपको बता देना ये बुंदेली की मिश्रित रूप हैं। आगे देखिए, याद रखने योग्य कुछ बिंदु जो हैं वो ये हैं कि बुंदेली साहित्य की दृष्टि से समृद्ध है। जगनिक, केशव, पद्माकर, लाल, गंगाधर, व्यास बुंदेली के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। तो पूछ सकता है कि केशव की भाषा कौन थी, तो हम बताओगे बुंदेली, पद्माकर, लाल, गंगाधर, व्यास, ये सारे के सारे बुंदेली के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। महेश कटारे ने बुंदेली शब्दकोश का संकलन किया है। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। तो बुंदेली का जो आपका शब्दकोश है वो किसने बनाया, तो आप याद रखोगे महेश कटारे, बुंदेली। चलिए आगे देखिए, बघेली के बारे में हम देखते हैं। बघेलखंड, यह अर्ध मागधी भाषा का अपभ्रंश है। अर्ध माग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो सौर सैनी का था, ये किसका है आपका मागधी भाषा का अपभ्रंश है। इसकी पैतृक भाषा अवधि मानी जाती है, तो बघेली अवधि से अवतरित मानी जाती है। गिरियर्सन ने इसे पूर्वी हिंदी वर्ग में रखा है। गिरियर्सन इंपॉर्टेंट है बोलियों के बारे में, याद रखिएगा। चलिए एक बार जल्दी से हमको बुंदेली के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। महेश कटारे ने क्या किया था, तो हम बताओगे बुंदेली शब्दकोश का संकलन किया था। अच्छा, ये जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट कवि के नाम थे वो कौन कौन से थे, केशव, पद्माकर, लाल, गंगाधर, व्यास, ये सब एक सारे साहित्यकार थे, ठीक है। वनाफरी, कुंडरी, निभट्टर, भदावरी और कोष्टी, ये मिश्रित रूप से बुंदेली के ही रूप थे। चलिए आगे देखिए बघेलखंड के बारे में, कि इसे बघेलखंडी, रिमही व रिवई भी कहा जाता है। रीवा वाले लोग समझ पा रहे हो ना आप, अरे मध्य प्रदेश में हो और रीवा के बारे में ना पता हो तो थोड़ा सा मजा नहीं आता है ना। देखिए, बघेलखंड के रीवा, शहडोल, सीधी, सतना आदि में विशुद्ध बघेली बोली जाती है, एकदम विशुद्ध लेवल की, ठीक है। मंडला की जनजातियों में इसका मिश्रित रूप पाया जाता है। बघेली की कुछ बोलियां भी हैं। फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर में यमुना के आसपास ये बोली बोली जाती है। चलिए, जैसे कि तिरहरी, बांदा जिले के केन और नगेन नदियों के क्षेत्र में, के मध्य क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली गहोरा तथा रीवा और मंडला की गोंड बोली को बघेली की उपबोली माना जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो आपका ये गहोरा है ये किसकी उपबोली है, तो आप बता दोगे बघेली की। आगे देखिए, पोवारी, ओजी, अन्य उपबोलियां ये भी आपकी बघेली से ही संबंधित हैं। अच्छा, सीधी के श्रीनिवास शुक्ल ने बघेल शब्दकोश तैयार किए हैं। तो श्रीनिवास शुक्ल सीधी की आप याद रखोगे बघेली के लिए,
और महेश कटारिया आप याद रखोगे बुंदेली शब्दकोश के लिए, सिंपल सा इंपॉर्टेंट एज इट इज पूछा जाएगा। आगे देखते हैं, परम धर्म विजय, विश्वनाथ प्रकाश, ये बघेली की रचनाएं हैं जिन्हें रीवा महाराज विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि जो परम धर्म विजय या विश्वनाथ प्रकाश है ये किसके द्वारा संकलित किया गया है। तो आप पहले तो बता दोगे विश्वनाथ सिंह, और किस भाषा में, बुंदेली बुंदेली बघेली ऐसे सब आपको दे देगा, तो आप बताओगे बघेली में। आगे देखते हैं मालवी के बारे में, राजस्थान की हथौड़ी बोली से प्रभावित मालवी मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। मालवी मालवा क्षेत्र में, नाम से ही पता चल रहा है ये हथौड़ी बोली से थोड़ा सा थोड़ा प्रभावित है। इस पर भी महाराष्ट्र की सौर सेनी का व्यापक प्रभाव है, जैसे कि आपका बुंदेली में था। आगे देखते हैं विशुद्ध मालवी कहाँ बोली जाती है, तो मालवी मालवा रीजन में। कौन कौन सा हो गया आपका, इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, रतलाम जैसे क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके अलावा भी ये भोपाल में, होशंगाबाद में, गुना में, नीमच, मंदसौर आदि में भी इसका थोड़ा सा परिवर्तित रूप मिलता है। आगे देखिए, मालवी ध्वनि और रूप की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी के निकट है, जबकि आत्मा में मारवाड़ी है। तो ध्वनि जैसे उच्चारण अगर देखा जाए तो पश्चिमी हिंदी से मिलता जुलता है, लेकिन एक्चुअल में है क्या, ये मारवाड़ी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आगे देखिए, इसके जो शब्दकोश के संकलन करता है वो प्रहलाद चंद जोशी हैं। धीरेंद्र वर्मा मालवी को दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं, जबकि डॉक्टर के एल हंस ने इसे पश्चिमी हिंदी कहा। मालवी की उप बोलियाँ अगर हम देखें, सोंधवाड़ी, उमठवाड़ी और रागड़ी हैं। कुछ विद्वान निमाणी को भी मालवी की एक उप बोली मानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए किसके लिए, आपकी मालवी के लिए। तो जो इंपॉर्टेंट बिंदु हैं वो आप एक बार देख लीजिए, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके शब्दकोश के संकलन करता कौन, प्रहलाद चंद जोशी हो गए। श्रीनिवास शुक्ल किसके थे, बघेली के, और बुंदेली के कौन थे, महेश कटारे थे। तो ऐसे आपको कंपेरेटिव स्टडी करनी है या एक चार्ट बना के अपने दीवार में स्टिक कर लेना है, और आते जाते खूबसूरत आवारा गलियों में आपको बस यही देखना है जब तक कि पीएससी निकल ना जाए। सिंपल सा रूल है, क्योंकि जो कंपटीशन बढ़ा हुआ है, पोस्टें इतनी कम हुई हैं, तो भैया ऐसे तो देखो नहीं निकलने वाला। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी सही डायरेक्शन में, स्मार्ट स्टडी हार्ड वर्क के साथ। केवल स्मार्ट स्टडी से भी कुछ नहीं होने वाला है। चलिए आगे देखिए, निवाड़ी के बारे में बात करते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र, जैसे कि आपका खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी जिलों में निमाड़ी बोली प्रचलित है। यह भी सौर सेना अपभ्रंश से विकसित हुई है। पिछली वाली भी थी आपकी मालवी, और उससे पहले वाली जो आपकी बुंदेली थी वो भी सौर सेन अपभ्रंश से विकसित हुई थी। इस पर मालवी, मारवाड़ी, गुजराती और मराठी भाषाओं का यथेष्ट प्रभाव है। निमाड़ी में लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया है, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने निमाड़ी को दक्षिणी हिंदी कहा। सिंपल सा। अच्छा, यहाँ पे भी हमने पिछला पॉइंट क्या देखा था, पश्चिमी हिंदी वो कौन बोले थे, डॉक्टर के एल हंस ने बोला था मालवी को, ठीक है। यहाँ पे ग्रियर्सन ने निमाड़ी को दक्षिणी हिंदी बोला है। पश्चिमी हिंदी वहाँ पे था, दक्षिणी हिंदी यहाँ पे है, इम्पॉर्टेंट है। और 14 सितंबर को क्या मनाया जा रहा था, आपको पता होगा हिंदी दिवस। यहाँ पे 19 सितंबर को निमाड़ी दिवस मनाया जाता है। निमाड़ी के अगर हम प्रसिद्ध साहित्यकार देखना चाहें तो गौरीशंकर शर्मा, रामनारायण उपाध्याय, प्रभाकर चौबे, ये क्या है आपके निमाड़ी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। अमार बोल लेखक इसके कौन है, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी हैं। निमाड़ी भाषा के ऐसे लेखक हैं जिन्होंने पहला महाकाव्य लिखा है। यह महाभारत का निमाड़ी अनुवाद है। अमार बोल पूछेगा आपसे किसका अनुवाद है, तो आप बताओगे महाभारत का अनुवाद है। कौन है लेखक, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी जी। प्रभाकर चौबे प्रसिद्ध निमाड़ी गायक गम्मत स्वांग थे। अच्छा, इन्होंने गम्मत स्वांग गाया था, अपने ठुमका क्या है निमाड़ी भाषा में पुस्तक लिखा है। प्रभाकर चौबे के बारे में आप दो चीजें याद रखना, गम्मत स्वांग और दूसरा ठुमका। तो जो गम्मत स्वांग था वो निमाड़ी भाषा में, ये भी आपको निमाड़ी भाषा में लिखा हुआ है। डॉक्टर श्री राम परिहार ने निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखी। तो निमाड़ी साहित्य का इतिहास कौन लिखा है, तो आप बता दोगे श्री राम परिहार। प्रभाकर चौबे के बारे में दो बातें सिर्फ, गम्मत स्वांग और निमाड़ी भाषा में लिखा गया ठुमका, सिंपल सा। इसके अलावा अगर कुछ हम साहित्यकार देखना चाहें तो गौरीशंकर शर्मा, रामनारायण उपाध्याय, प्रभाकर चौबे, ठीक है। अमार बोल
मारबोल के बारे में आप ये बताओगे कि निमाड़ी भाषा में पहला महाकाव्य है और यह महाभारत का निमाड़ी अनुवाद है। देखते हैं ब्रज भाषा के बारे में, तो मूलतः उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र मथुरा में बोली जाती है, और अगर एमपी में बात करें तो मध्य भारत में पश्चिम ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, भुंड इत्यादि में बोली जाती है। कुछ विशेषताएं देख लीजिए, सिर्फ चार बिंदु आपको याद रखने हैं। सौरसेनी का भ्रंश है, जैसे पहले भी आपने देखा हुआ है, इसे सौरसेनी पिंगल अर्थ वेदी ग्वालियरी कनौजी भी कहते हैं। ब्रज भाषा काव्य की भाषा है। माना जाता है कि काव्य की रचना जब जब भाषा से बोली में प्रारंभ हुई तो ब्रज बोली गई। संपूर्ण कृष्ण भक्ति ब्रजभाषा में लिखी हुई है। ब्रजभाषा के कवियों को आपको थोड़ा सा किसे बताना है कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। फिर आगे देखिए, हिंदी भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली ब्रज है। मध्य भारत में सर्वाधिक साहित्य ब्रजभाषा में ही लिखा गया था, खासकर से भक्ति साहित्य, भक्ति काल का स्वर्णिम काल बोला जाता है वहां से। चलिए आगे देखिए, सूरदास, रसखान, मीराबाई एवं अमीर खुसरो ब्रज भाषा के शिरोमणि रचनाकार हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की मुख्य भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। तुलसीदास जी ने वैसे तो सारे के सारे काव्य आपके अवधि में लिखे हैं, लेकिन तो विनय पत्रिका उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है। चलिए भदावरी देखिए आप, मूलतः कहावतों में व्यक्त होने वाली बोली है। माना जाता है कि देवगण जिस भद्र स्रव भाषा का उपयोग करते थे उसका भ्रंश भदावरी है। क्षेत्र ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में यह मध्य भारत विशेषकर भिंड, ग्वालियर, मुरैना में बोली जाती है। उल्लेखनीय यह है कि भिंड भिंड जिले के अटेर भिंड महगांव का क्षेत्र भदावर धार के नाम से जाना जाता है। यहाँ की बोली भदावरी कहलाती है। विशेषताएँ इसकी सशक्त बोली है। कहावतों का विशाल भंडार इसमें पाया जाता है। बोलने वाले लगभग 60 लाख में से अकेले भिंड में 6 लाख लोग हैं और उपनाम इसका गांववारी और बुलंद है। चलिए अन्य बोलियों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो जांदोमाटी, पंचमहली, जांदोमाटी आपको याद रखना है मुरैना श्योपुर रीजन में। और क्षेत्र अगर थोड़ा और इसका विस्तृत रूप में देखें देखना चाहें तो सवलखंड में स्थित 24 गाँवों को चौबीसिया बोला जाता है। अतः यहाँ जांदोमाटी चौबीसा बोली बोली जाती है। तो जांदोमासी चौबीसा अगर आपसे पूछता है जांदोमाटी चौबीसा तो आप बता दोगे मुरैना के आसपास का सवलखंड इलाका। पंचमहली के बारे में क्या बताओगे आप कि ग्वालियर जिले में स्थित सर्वाधिक प्रयुक्त जो ये बोली है पंचमहली कहलाती है। इसका जो क्षेत्र है डबरा और मितरवार है ग्वालियर, और इसमें 5 पारंपरिक महल डबरा, बीरतवार, पिछोर, चोनोट, टेकनपुर की बोली ये सारी की सारी मिलकर पंचमहली कहलाती हैं। इसकी अगर हम विशेषताएं देखना चाहें तो थोड़ा सा देखिए आप, तो पंचमहली ग्वालियर की मुख्य लौकिक भाषा है। इस पर जटवारी जटवारी का तथा जटवारी का पंचमहल पर इतना प्रभाव है कि दोनों में सूक्ष्म अंतर रह गया है, दोनों लगभग एक जैसे लगने लगी हैं। पंचमहली में बुंदेली की शाब्दिक ध्वनिक विशेषताएँ भी पाई जाती हैं। अगला देखिए जटवारी, मध्यकालीन जाटों भरतपुर के राजकाल में जटवारी बोली का प्रचलन मध्य भारत में अधिक हुआ। इसके क्षेत्र के बारे में अगर हम देखें तो वो है आपका जटवारा क्षेत्र जो गोहद भिंड से मुरार ग्वालियर तक विस्तृत है। विशेषताएं देखिए, जटवारी का पंचमहली पर तथा पंचमहली का जटवारी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, इस कारण से इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। ये पहली विशेषता हो गई। दूसरा देखिए, जटवारी लोक भाषा पर क्षेत्र की सीमा के उत्तरी उत्तर में भदावरी लोक भाषा, दक्षिण में पंचमहली, पूर्व में कछवाहधारी राजपूती और बुंदेली तथा पश्चिम में तौरधारी लोक भाषा का प्रभाव मिलता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग सिकरवारी। सिकरवारी के बारे में आपको याद रखना है कि सिकरवारी क्षेत्र मध्य भारत का सर्वाधिक प्रभुत्ववादी क्षेत्र माना जाता है। यह क्षत्रियों की भूमि कहलाती है। तो सिकरवारी नाम से ही पता चल रहा है कुछ से लड़ने उड़ने वाले होंगे, तो ये होगी आपका क्षत्रियों की भूमि। यहाँ की भाषा सिकरवारी कहलाती है। क्षेत्र इसके मुरैना जिला, विशेषकर मुरैना जौरा, कैलाश और पहाड़गढ़ है। फिर देखिए आप कछवाहधारी, कछवाहधारी के बारे में आपको याद रखना है कि ग्वालियर क्षेत्र कभी कच्छाप छाट कहलाता था, क्योंकि यहाँ कछवाह शासकों का शासन हुआ करता था। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि महगांव की भरौली गाँव के आसपास का क्षेत्र इसके रीजन में आता है, जहाँ के लगभग 430 गांवों तक
फैला हुआ इसका दायरा है। तौरधारी मुरैना क्षेत्र आप याद रखिए, और लोधधारी इसके बारे में आपको याद रखना है, भिंड क्षेत्र सिंबल सा। राजपूती, राजपूती के बारे में आप याद रखिएगा, मध्य भारत का क्षेत्र विशेष राजपूत घाट कहलाता है, यहाँ के राजपूत की बोली राजपूती है, ठीक है। यहाँ पे आप भिंड जिले के आसपास का रीजन आपको याद रखना है। पवारी के बारे में देखिए, इसकी उत्पत्ति गुजराती और मराठी के सम्मिश्रण से मानी जाती है। छिंदवाड़ा में पवार जाति की बोली पवारी है। क्षेत्र इसका छिंदवाड़ा जिले के पांडुरणा सौसर तहसील और बालाघाट जिले के पूरे क्षेत्र के अलावा सिवनी जिले का कुरई उगली, तो ये सारे क्षेत्र यहाँ पे आते हैं। अगला लास्ट देखते हैं हम लोग, कौरवी। तो हिंदी की पूर्व बोली कौरवी मानी जाती है। क्षेत्र भिंड के अंतर्गत आने वाला लहरदार के दबोह और आलमपुर दतिया जिला के भांडेर खंड और सीमांत उत्तर प्रदेश का जालौन जिला इसमें आता है। विशेषताएं देखिए, खड़ी हिंदी बोली की अत्यधिक निकट इसको माना जाता है और हिंदी की उत्पत्ति का आधार इसे माना जाता है। चलिए, तो यहाँ तक आपका पहला लेक्चर था। एक बार आपको करना क्या है, पहले तो ये देखना है कि हमने क्या क्या बिंदु कवर किए, कितना आपसे बनना। देखिए, सिंपल सा कंसेप्ट यही है, जो भी आप पढ़ते हो पढ़ने के बाद एक ब्लैंक पेपर लेके बैठ जाइए और उसमें थोड़ा सा नोट डाउन करिए कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या हमसे बन रहा है, क्या क्या हमसे भूल रहा है। जो भूल रहा है वो आप रिवाइज कर लो, और जो बन रहा है वो तो अच्छी बात, वो आपसे बन ही रहा है, इससे एसेस हो जाएगा। और रिवीजन आपको, जैसे आपने भी लेक्चर देखा, अब 10 मिनट के बाद इसको तुरंत आपको एक बार और देख लेना है, या तो आप देख लीजिए या तो आप रिवाइज कर लीजिए, गो थ्रू कि केवल ये बिंदु थे, क्योंकि 10 मिनट के बाद ही आपका बहुत सारा 35% लगभग भूल जाता है। और फिर एक रिवीजन मानना है 48 आवर के अंदर। इसी लेक्चर को अगर आप 2 दिन सेम लेक्चर देखते हो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपने आज शाम को देखा, सुबह उठ के फिर से सेम लेक्चर देखिए आप, और ऐसे करके 10 अगर 10 वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, 10 बार आप देखिए, लिटरली आपको याद हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा इधर उधर का पढ़ने से अच्छा है एक ही चीज़ फॉलो करो, उसी को 10 बार करो आप। 10 चीज़ें एक एक बार करने से अच्छा है एक चीज़ 10 बार करो, क्योंकि एग्ज़ाम में कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है और क्रिस्प क्लियर एकदम दिखना चाहिए आपको, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, तभी वो ऑप्शन आप सही हिट करोगे। प्रीलिम्स बहुत टफ हो गया है, UPSC का, MBPSC, UPPCS किसी का भी उठा के देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा टफ है। जो आउटसाइडर हैं उनके लिए ये वरदान है, फॉलो करिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।